और बिहार की सेवा ही देश की सेवा हम मानते हैं, तो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं बिहार की सेवा करके हम लोग। लेकिन ये जो दिल्ली में चलता रहता, पूरे देश में चलता रहता, अल्टरनेटिव कौन होगा, अल्टरनेटिव कौन होगा, यही सब डिबेट में उसमें भी आकर के हमको कितना आदमी कहता था। अब हम बिहार में हैं, असीमित हम लोगों की ताकत है, अल्टरनेटिव बनने का ख्वाब देखते, सपना देखते। अरे बिहार की सेवा करनी है तो कल भी कर रहे थे सेवा, आज भी सेवा कर रहे हैं। एक बात बता दें, चल रहा था ना जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम, हमको तो मालूम नहीं था, आप ही लोगों में से कुछ लोग बताए कि अभी लोग अनाउंस करने वाले हैं। हम तो दिल्ली में मीटिंग थी, हमने कहा था कि सीट का कर दीजिए, ये सब छोड़िए, अनाउंसमेंट मत कीजिए। तो अनाउंसमेंट तो अपने किए थे, आज लोग मैंडेट की बात कर रहे हैं, लीडरशिप किसकी थी? और जेडीयू ने घोषणा किया था कि वही लोग घोषणा किए थे बेटे, लीडरशिप किसकी थी? तो मैंडेट मिलने में कोई रोल नहीं था क्या जिसके लीडरशिप में चुनाव हुआ? अब पूरा भाषण मेरा तो देख तो लीजिए, 218 भाषण दिए थे, कहीं लिखा हुआ था कि भ्रष्टाचार कहीं कहा है हमने कि समझौता करेंगे या गवर्नेंस से कोई समझौता करेंगे? नहीं किया। तब उसके चलते चाहे जितना हमको सुनना पड़े सुनते रहेंगे, लेकिन काम करते रहेंगे और बहुत ही प्रेम से काम करेंगे। केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और जो हम लोगों की अपेक्षा होगी केंद्र से हम लोग निरंतर मांग भी करते रहेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र के सहयोग से राज्य के विकास में गति आई है और ये बिहार के हित में होगा। ये आगे चलेगा, अभी और भी है, आज और सवाल सब पूछिए तो ज्यादा अच्छा है। पार्टी का निर्णय, स्टेट पार्टी ने निर्णय लिया है और उसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो वक्तव्य दे दिया, दो दिन पहले बता दिया, अनाउंस कर दिया है कि मृत्यु के कारण, सिटिंग मेंबर के मृत्यु के कारण पद रिक्त हुआ है, उस चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे। मैंने जेडीयू का ही निर्णय, तो और तो कोई निर्णय है नहीं, यही निर्णय है। यानी सिटिंग मेंबर के डेथ के कारण जो आज उपचुनाव हो रहा है तो उस उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, ये पार्टी का फैसला है, तो पार्टी का एक नीतिगत फैसला है और हर पॉलिटिकल पार्टी को को उचित नहीं लगा कि इसमें, मैंने स्टेट पार्टी को, और जब लोगों ने बैठक करके कोर कमेटी की बैठक में ये बात किया, फिर हमसे डिस्कस हुआ, हमने कहा ठीक है। तो ये दो दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ था उसी दिन का फैसला है, तो शुरू के दिन ही, पहले ही दिन फैसला हो गया है और अब तो दो दिन बीत गया है। तो कैंपेन में जाइए कि नहीं आप? अरे भाई, जेडीयू का ये फैसला है, सिटिंग मेंबर के डेथ के बाद जो चुनाव हो रहा है उसमें हम नहीं लड़ेंगे, इतना बड़ा फैसला है। अब बाकी जब स्टेट यूनिट का फैसला है तो बाकी सब चीज तो स्टेट यूनिट बैठ के बात करेगी। अब इसको काहे के लिए आप जो है, हर पार्टी को अपना अपना फैसला लेने का अधिकार है या नहीं, लेकिन यहां पर ही सब सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं। ये सब सवाल पार्टी कार्यालय में जब आयोजित हो, बहुत चिड़ लगे आपको कि पार्टी पर पूछेंगे, तो कहिए जिस दिन आपको सूट करेगा हम जनता दल यू के ऑफिस में ही बैठेंगे उसी दिन पूछिए सवाल, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये इस माहौल में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, आप समझ